यदि कोई बॉलर लापरवाही से बॉल फेंके तो बैटिंग करने वाले खिलाड़ी को सिक्सर मारने का मौका मिल ही जाता है। ऐसा ही हुआ बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की कमजोर वैचारिक बॉल पर तेज तर्रार बेबाक अभिनेत्री कंगना रनौत के सिक्सर मारकर वाहवाही लूटने का। सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंग्रेजों के आने से पहले एक देश के रूप में भारत का अस्तित्व था ही नहीं। इस पर कंगना ने ये कहकर उनकी पतंग की डोर काट दी कि फिर महाभारत क्या था। इन दोनों के वैचारिक नोकझोंक के इतर इतिहास में भारत के अस्तित्व का विषय बेहद दिलचस्प है, इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा और आज पेश है आमने सामने में कुछ खास चर्चा। आज हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए चर्चा करेंगे हमारी मातृभूमि, हमारी कर्मभूमि और एक देश के रूप में भारत के अस्तित्व से जुड़ी दिलचस्प बातों की। मगर आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक देश के रूप में भारत कब अस्तित्व में आया, ये गंभीर विषय है। इसलिए हमने उन विशेषज्ञों से बात की जो इसमें विशेष जानकारी रखते हैं, उसे आपके सामने रखते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। और ये जरूरी हो जाता है ताकि हम देश अर्थात राष्ट्र के रूप में भारत की अवधारणा को अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले उदयपुर के मीरागंज कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र के डॉक्टर कुलदीप फड़िया बताते हैं, प्राचीन भारत के ऐसे अनेक गणतांत्रिक जनपद गण संघ या गणराज्य थे जिनका प्राचीन हिंदू, बौद्ध और संस्कृत साहित्य में जिक्र किया गया है। ईसा से लगभग 6वीं सदी पहले वैशाली में दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने लगभग 493 ईस्वी पूर्व लिच्छवी, अंग, वच्ची, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य कायम किया था जिसको भारतवर्ष कहा गया। डॉक्टर कुलदीप आगे ये भी बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के विस्तार के साथ भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोया, उसे एक विशाल राष्ट्र में तब्दील किया। ये बात 322 ईसा पूर्व यानी आज से तकरीबन 2340 साल पहले की है। लगभग 24 सालों तक शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तरी और पूर्वी भारत के अलावा उत्तर में बलूचिस्तान, दक्षिण में मैसूर, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था और इसे भी भारतवर्ष के रूप में ही जाना जाता था। इतिहास के हवाले से डॉक्टर कुलदीप ने यह भी बताया कि बिंदुसार ने 298 से 273 तक ईसा पूर्व के दौरान कई देशों पर विजय पाई और उन्हें भारत ने मिलाया और एकता कायम की। सम्राट अशोक का साम्राज्य, आज के भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार तक फैला हुआ था। इन क्षेत्रों में कई शिलालेख और पुरातात्विक प्रमाण आज भी मौजूद हैं जो भारत की एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापना की पुष्टि करते हैं। दरअसल आज का भारत पहले के भारतवर्ष की तुलना में छोटा है क्योंकि अपनी अंदरूनी कलह और बाहरी हमलों के चलते वो टूटता रहा और कई छोटी मोटी रियासतों में बट गया। इसलिए सैफ अली खान का ये कहना बेबुनियाद है कि अंग्रेजों के आने से पहले एक देश के रूप में भारत का अस्तित्व था ही नहीं। अब एक और विशेषज्ञ की बात सुनते हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ चुके गुजरात के डीआर परमार का कहना है कि अगर अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश का अस्तित्व था ही नहीं तो प्राचीन और मुगल कालीन इतिहास में भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया। शक, हुण, तैमूर, चंगेज खान, सिकंदर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, नादिर शाह जैसे कई नाम इसी सोने की चिड़िया के रूप में प्रख्यात भारतवर्ष को लूटने और शासन करने आए थे। ये अलग बात है कि विदेशी लुटेरों ने हिंदू राजाओं की आपसी लड़ाई का फायदा उठाया और कुछ ने भारत में अपना विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लिया। इसलिए सैफ अली खान को इतिहास के बारे में अपना ज्ञान दुरुस्त कर लेना चाहिए। दिल्ली के समाज सेवी और सिने प्रेमी महेंद्र बंसल ने इस पर अपनी विशेष राय देते हुए कहा है कि पौराणिक ग्रंथों में एक देश के रूप में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। भारत की राष्ट्र राज्य की स्थापना के समय को लेकर सैफ अली खान का विवादास्पद बयान एक मार्केटिंग हथकंडा लगता है जो वो अपनी आने वाली फिल्मों के प्रमोशन के उद्देश्य से हो सकती है।
लेकिन उनके बेतुके बयान से भारत की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, इसलिए कोई भी समझदार देशभक्त इस बयान को जायज नहीं ठहरा सकता। तो फिर लौटते हैं इन सब विशेषज्ञों की राय के बाद सैफ और कंगना के बीच हुई वैचारिक जंग पर। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार आज से लगभग 5 से 7 हजार साल पहले द्वापर युग में वेदों की रचना हुई थी। बाद में महाभारत भी उसी युग में हुआ और रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो वेदों के पहले त्रेतायुग के जन्मे थे और अयोध्या के शासक थे। 5000 साल से ज्यादा समय पहले रचे गए पौराणिक ग्रंथ ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के मंगल 3 सूत्र 53 श्लोक 12 में भारतम जन्म शब्द का प्रयोग इस भारत के लिए ही किया गया है, किसी और के लिए नहीं। सैफ अली खान की पढ़ाई लिखाई के बारे में ये कहें कि वो इंग्लैंड के लोकर्स पार्क स्कूल, हर्टफोर्ड शायर और विंचेस्टर कॉलेज में हुई थी। फिर भी उनको ये बुनियादी और मामूली जानकारी तक नहीं है। जब सन 1707 में ब्रिटेन और स्कॉटलैंड का विलय हुआ तो उसका नामकरण ग्रेट ब्रिटेन देश के रूप में किया गया, लेकिन उससे लगभग 100 साल पहले यानी सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जा चुकी थी। क्या इस कंपनी में इंडिया नाम किसी यूरोपीय, लातिनी या अफ्रीकी देश के लिए प्रयोग किया गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि सब जो कुछ गलत कहा गया है उसके बारे में अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लेना अच्छा है। और फिर ये महाशय उम्मीद करते हैं कि देश की जनता उनके ज्ञान पर तालियां बजाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। जाहिर है अंग्रेजी टीचर से पढ़े लिखे सैफ का त्रेता युग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम, द्वापर युग के कृष्ण अर्जुन और महाभारत के रचयिता वेद व्यास से क्या लेना देना। मुद्दे की बात यह है कि अगर सैफ खामोखा इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ ना कहें तो उनके पीछे पड़े हुए लोग उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। अब जिनका मैं नाम इस वक्त ज्यादा लेना नहीं चाहूंगी और जो वैचारिक थप्पड़ उन्हें पड़ रहे हैं वो खाने की नौबत नहीं आती। इस सारे विवाद में यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नामचीन एक्टर बनना एक बात है और विद्वतापूर्ण प्रामाणिक जानकारी होना अलग बात है। सैफ अली खान पहले भी सीता और जेनेटिक्स के बारे में उलझ जुलझ बातें कर कुख्याति हासिल कर चुके हैं। साइंस के स्टूडेंट रही कंगना ने तब ये कहकर मुंह तोड़ दिया था कि वो जेनेटिक्स की थ्योरी कंगाल चुकी हैं और जिसके मुताबिक उन्हें किसान या व्यवसायी होना चाहिए क्योंकि उनके पिता हिमाचल में किसान और व्यवसायी हैं। लेकिन ये तो हैं बॉलीवुड की अभिनेत्री और सैफ ने जेनेटिक्स के बारे में अपनी गलत जानकारी के लिए भी बाद में माफ़ी मांगी थी। तो जब भी कोई बयान दिया जाए तो उसे पूरा ठोक बजाकर ही दिया जाए, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या आम जन। आज बस इतना ही। इस कार्यक्रम के पटकथा लेखक स्क्रिप्ट राइटर दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार श्रीपाल जैन, और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए और इसी तरह हमारी मेहनत को एक उत्साह दीजिए। और इसी के साथ कहते हैं आपसे जय हिंद।